प्रांगण में विराजमान सभी श्रोता बैठे हुए हैं और आप सभी के श्री चरणों में नमन करते हुए दूसरा दिन है और तीसरा नंबर है। सभी कलाकार बारी बारी से अपनी अपनी सभ्यता का परिचय बड़े अच्छे तौर तरीके से दे रहे हैं भैया जी। लेकिन आइएगा, आप जैसे बुद्धिजीवियों ने चार लाइनों में लिखा है, सुझाव दिया है, उधर मिले पहले और पल न मिले बड़ो सुख पायो कि तारुण भयो त्रिया संग लेटो लेटत ले भवानी के अंदर लिखा है कवि ने, और वो लिखा है वो सत्य लिखा है, जहां लूटा है वहां अपनों ने ही लूटा है और जहां मारा है ना अपनों ने ही मारा है। हमारे गुरुजी हरवान सिंह डिडवारी वालों ने अपनी कलम से लिखा जो कि आज हमारे और आपके बीच में नहीं है, लेकिन वो लिखा सत्य लिखा। भैया जी क्या लिख दिया, अपने नते अपने नते पचकी अरे तुम रहियो बे रीका करे तुम संचालन करते हुए हमारे कालीचरण जी हवलदार जी कल से ही बैठे हुए हैं। सभी से निवेदन करूंगा कि हमने कल कथा को कहां से छोड़ा था, बताएंगे हम भैया जी।
आवाज भोले बाबा। रानी को जीवित कर देते हैं क्या? भोला की जब बात सुनी तो क्या? भोला की जब बात सुनी तो सोच करे मन गाढ़ है और छोड़ चिताकू मदन सेन फिर एकदम है गो ठाड़ा है। भोला कह संकल्प करे, भोला कह संकल्प करे तू जल्दी हामी भर ले और अपनी दान उम्र को। आज उस राजा ने अपनी दान उम्र को दान में दे दिया, लेकिन वो राजा आगे के लिए जा रहा है। प्यास से व्याकुल था। यहां से कहानी मोड़ ले रही है भैया जी। प्यास से व्याकुल था उस कुएं की मट्टी पर एक जोगी का लड़का बैठा हुआ है। लेकिन आइएगा कहानी क्या जवाब दे रही है, सुनिए भैया जी कैसे। और मिले जवाब दे रहा है रानी को। रानी मेरे साथ चल, मौज करेगी। अरे कब तक इस बन के अंदर डोलेगी, दर दर की ठोकर खाएगी। तुझे रानी बना के रखूंगा, लेकिन पहले तू या राजा दे अपने फंदे छुटाए ला। वो बताया है ना त्रिया और गिल्ला जी। अरे दिया तिरिया, श्रोताओ जिकड़ी ही सुनाऊंगा आपको मैं। अरे दिया तिरिया जाल बिछाई भरा जाए कुआ के तट। राजा को और कुएं के
उस रानी ने कुएं के अंदर धकेल दिया। आज वो रानी चंद्रप्रभा जोगी के लड़के के साथ में नाचने गाने वाली हो गई, अपना नृत्य दिखाने लगी, जगह जगह अपना मंच लगाने लगी। लेकिन श्रोताओं, आज वो राजा मदन सिंह कुएं में चिल्ला रहा है, लेकिन भैया गौरव जी सुनेंगे वो कैसे क्या हुआ। निवेदन करूंगा, मेरी कहानी समझ में आ रही है ना आपकी? में बहुत अच्छी बात। माल बेकिबे और चार एक बंजारे और बैकुआ पे बैठ गयो जो एक नौकरी पाई है के मदन सेन ते खुशबू धन्ना। श्रोता के मदन सेन ते खुशबू धन्ना लखी लखिया की चतुराई और जन दियो मुनीम सुनाई। आज उस मदन सेन को उस धन्ना सेठ ने अपनी आड़त पर एक मुनीम बना दिया। आज वो रानी चंद्रप्रभा अपना मंच लगा रही है आड़त के सामने, अपना मंच लगा रही है। देखा आज वो राजा मदन सिंह देखता है
जब राजा रानी को देखा और रानी ने जब राजा को देखा, आज वो धन्ना सेठ से जवाब दे रही है, नाच गाना बंद हो गया। आज वो रानी और जवाब दे रही है कैसे राजा को, भैया गौरव जी अरे चोर राजा सेठ ने जवाब दिया, नाच गाना क्यों बंद कर दिया है सेठ, पहले मेरी बात सुन, नाच गाना तब होगा। अरे चोर राजा तेरी तो सभा में हमें रोते फांसी दिलवा, सूली चढ़वा, नाच गाना तब होगा। आज धन्ना सेठ ने मंत्रियों को बुलाया, मंत्रियों इसको फांसी दे दो। हाथ जोड़कर खड़ा हो गया मदन सेन सेठ, मुझे फांसी दे दो, दे देना, लेकिन मेरी एक विनती है, मुझे फांसी देना, सूली देना, लेकिन मेरी बात सुनो पहले। जो मैंने इसे रास्ते में एक चीज दी थी ना, वो मेरी वापस दे दो। कौन सी चीज? आज वो रानी भूल गई। आज वो राजा मदन सर कहा था ना, जब तेरी रानी तेरे साथ धोखा धड़ा करे तो अपनी उम्र वापस ले लेना। दो ही बातों का टप्पो के खेला भैया जी। आज वो राजा मदन सेन जवाब दे रहा है, सूली चढ़वाना, फांसी देना, मेरी बात सुन के। आज वो राजा और गुड्डू जी और भैया गिल्ला जी क्या करने लगा, अरे छिड़क दिया राजा ने पानी, श्रोताओ छिड़क दिया राजा ने पानी, एकदम मर गई है रानी।
बताओ एक छोटा सा गाना और गाना भी। इधर मेरी माताएं बहनें बैठी हुई हैं प्रांगण में विराजमान सभी चिकड़ी के शौकीन श्रोता। एक पांच तत्व की फुलवारी के अंदर और बड़े अच्छे शब्द सजोकर कवि ने डाले हैं। अपनी बात आपके दिल तक पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन जवाब दिया है क्या जवाब दिया भैया जी? और फुलवारी फुलवारी कोई उजड़े भाई का दुश्मन भाई।
चीज तो मिले दोबारा ना मिले सो तर भाई, हर चीज तो मिले दोबारा ना मिले सो तर भाई, जब भाई को दुश्मन मारे जब भाई को भाई मारे उसे कौन बचाए हो, उसे कौन बचाए। श्रोता गीत की लास्ट पंक्ति, इस पंक्ति को गौर से सुनेंगे। अगर हमारे कोई कपड़े में दाग लगेगा ना, आप उसे तुरंत ही साफ कराओगे, लेकिन श्रोता कपड़ा में दाग लग जाए हो, कपड़ा में दाग लग जाए धोबी